Students, this is your English reader book. In today class, we will read the chapter number 13. Raja Suran's expedition to China. इसमें राजा सूरंस की कहानी है और वो चाइना तक अपने किंगडम का किंगडम को बढ़ाना चाहते थे, यानी अपने राज्य को चाइना तक पहुंचाना चाहते थे. तो इसमें हम स्टोरी को रीड करेंगे. सो लेट स्टार्ट. How vast India would have been if Raja Suran had conquered China. मतलब कि इंडिया कितना बड़ा हो जाता अगर राजा सुजान जो है वो सुरन जो है चाइना को भी कंकर कर लेते. मतलब कि उसको भी अपने उसमें अपने राज्य में शामिल कर लेते. ठीक है. राजा सुरन रूल्ड ओवर द वास्ट कंट्री ऑफ इंडिया. जो राजा सुरन थे वो इंडिया की बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़े एरिया में वो इंडिया के राज करते थे. बट इंडिया वॉज नॉट इनफ फॉर हिम. लेकिन वो इंडिया ही उनके लिए पूरा नहीं था. ही वॉन्टेड टू बी द रूलर ऑफ द होल वर्ल्ड. वो पूरे संसार का रूलर बनना चाहते थे, यानी पूरे संसार का राजा बनना चाहते थे. ही वॉन्टेड मोर एंड मोर पावर. और उनको पावर बहुत ज़्यादा पावर चाहिए थी, यानी थोड़ी बहुत पावर नहीं, मतलब अपना अपनी जो शक्ति थी वो बहुत दूर तक फैलाना चाहते थे. ही मेड ऑल द किंग्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज बर्मा थाईलैंड एंड मलेशिया पे हिम टैक्सेस ऑफ राइस एंड गोल्ड एंड कॉल्ड हिमसेल्फ अ पावरफुल रूलर. तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी उनके नेबरिंग कंट्रीज थे उनका जो है रूल चलता था और उनसे वो टैक्स लेते थे, यानी राइस एंड गोल्ड जो भी होता था वहाँ पे उस पर उनसे वो टैक्स लेते थे. पे हिम टैक्सेस मतलब कि जितनी भी कंट्रीज थी उनको टैक्स पे करती थी. स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन तब भी वो खुश नहीं थे. देयर वॉज समवन हु रिफ्यूज टू से दैट ही सुरन वॉज द ग्रेटेस्ट किंग एंड दैट वॉज द एम्परर ऑफ चाइना. देयर वॉज समवन मतलब कि एक था कोई, मतलब कि एक जो ग्रेटेस्ट मतलब कि जो सुरन थे उनको उन्होंने इनकार कर दिया था. देयर वॉज समवन हु रिफ्यूज टू से मतलब कि यहाँ पे उस पर्सन ने इनकार कर दिया था कि जो सुरन जो है कि ग्रेटेस्ट किंग है, दैट वाज एम्परर ऑफ चाइना, मतलब कि जो चाइना के एम्परर थे उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये बहुत बड़े राजा हैं, महान राजा हैं. दिस मेड सुरन फ्यूरियस एंड सो ही डिसाइडेड टू इन्वेड चाइना. मतलब उस पर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चाइना पे चढ़ाई करूंगा और उसे अपने किंगडम में शामिल कर लूंगा. ही गैदर्ड अ ह्यूज आर्मी विद सोल्जर एलिफेंट्स हॉर्स ड्रमरस कुक एंड स्लेव्स एंड सेट आउट. उन्होंने अपनी बहुत बड़ी आर्मी जो है उसे ली, एलिफेंट हॉर्स जो घोड़े थे, ड्रमरस थे और कुक्स थे, स्लेव्स जो दास होते हैं उनको बोला जाता है, वो उन्होंने इकट्ठी की और चल पड़े. बट राजा सुरन हैड अ प्रॉब्लम. लेकिन राजा सुरन को एक प्रॉब्लम थी. यू सी ही वॉज नॉट एग्जैक्टली श्योर वेयर द चाइना वॉज. लेकिन उनको एग्जैक्टली श्योर नहीं था कि चाइना है कहाँ पे, यानी उनको ये पता ही नहीं था कि चाइना कहाँ पे है. क्योंकि उस वक्त क्या था कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि वे पता चले, और उनके किंगडम में ऐसा कोई पर्सन नहीं था. बस वो ऐसे सोच के ही बाहर निकल पड़े थे. थिंकिंग दैट चाइना वॉज टू द साउथ ऑफ इंडिया. उन्होंने सोचा कि चाइना शायद इंडिया के साउथ में है. ही सेंट हिज आर्मी इन टू बर्मा. उन्होंने अपनी जो आर्मी फौज थी बर्मा में भेजी, थाईलैंड मलेशिया एंड फाइनली टू सिंगापुर. यानी उन्होंने जो अपनी आर्मी भेजी बर्मा भेजी, थाईलैंड मलेशिया और लास्ट में सिंगापुर. विच इन दोज डेज वॉज कॉल्ड तमेस्क.
तो ये सिंगापुर को उन दिनों तमस्क कहा जाता था। वेन द आर्मी रीच्ड हियर, जब वहां पे उनकी सेना पहुंची, द लैंड एंडेड एज दे हैज रीच द साउदर्न सी। अब लैंड का एंड हो गया, क्योंकि देखो जब ये देखो ये वे था, बर्मा आए, थाईलैंड आए, मलेशिया आए, और यहाँ पे फिर सिंगापुर आ गए। सिंगापुर को पहले तमस्क कहा जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो लैंड है वो तो खत्म हो गया, अब ये ओशियन आ गया। सो द किंग गिव ऑर्डर टू हिज मैन टू बिल्ड हंड्रेड्स ऑफ शिप्स एंड गेट द फ्लीट रेडी। अब उन्होंने ऑर्डर दिया कि अब पानी के जहाज बनाने का ऑर्डर दिया, और उन्होंने कहा कि अब अपनी जो फ्लीट्स है उनको रेडी रखना है। ही वुड ट्रेवल बाय सी टू कॉन्कर चाइना, और उन्होंने कहा कि मैं समुद्र के रास्ते ट्रेवल करके चाइना को कॉन्कर करूंगा, यानी चाइना को पे आक्रमण करूंगा और अपने राज्य में मिलाऊंगा। फाइंड दिस चाइना क्विकली, फाइंड दिस चाइना क्विकली यानी बहुत जल्दी चाइना का पता लगाओ, और आई विल कट ऑफ योर हेड्स, नहीं तो मैं तुम्हारा, ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए उन्होंने बोला कि चाइना का पता लगाइए, नहीं तो मैं तुम्हारे सबके हेड जो है वो कट कर दूंगा। नाउ राजा सूरन्स जर्नी टू तमस्क हैड नॉट बीन अ सीक्रेट। अब राजा की जो जर्नी थी सूरन की, अब वो तमस्क से अब सीक्रेट नहीं रह गई थी, यानी गुप्त नहीं रह गई थी। ट्रेडर्स हु सेल्ड द कोस्ट ट्रेडिंग इन गोल्ड स्पाइसेस एंड स्पेशल वुड ऑलरेडी न्यू ऑफिस प्लान टू फाइंड चाइना। अब वहां पे जो सी के रास्ते से जो आते थे ट्रेडर्स, व्यापारी आते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते थे, तो जो ट्रेड करते थे गोल्ड का, स्पाइसेस मसालों का, और स्पेशल वुड, यानी स्पेशल वुड होती है, यानी जैसे हम अगर बात करें स्पेशल वुड की तो चंदन की लकड़ी हुई, तो वो जो जितने भी ट्रेडर्स थे यानी व्यापारी थे, उन्होंने उसके प्लान को जाना और कि वो चाइना का पता लगाना चाहते हैं। दे टोल्ड देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने फ्रेंड से बोला, हु टोल्ड देयर फ्रेंड्स, एंड फाइनली द न्यूज रीच्ड द एम्परर ऑफ चाइना हिमसेल्फ। अब इसमें क्या है कि उन्होंने अपने जो जिन्होंने ट्रेडर्स थे सुना, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बनाया बताया, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, ऐसे करते करते बात फाइनली कहां तक पहुंच गई, चाइना तक पहुंच गई। नाउ टर्न द पेज, देखिए ये चाइना का जो है दरबार है, और ये चाइनीज का जितने भी हैं वहां के दरबारी हैं, ठीक है। वॉट, इसमें देखो जब वहां पे खबर पहुंची चाइना में, तो वॉट लंबा पॉज है, तो यानी हम अचानक जो बात होती तो उसको कहते हैं क्या। राजा सूरन कमिंग हियर, राजा सूरन जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। वॉट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, क्राइड द एम्परर, एम्परर यानी वहां के जो राजा थे उन्होंने चिल्ला के बोला, हिज आर्मी इज मच बिगर देन आर्स एंड ही विल डिफीट अस, और उनकी जो आर्मी सेना है उनकी हमारे से बहुत बड़ी आर्मी है, सेना है, और डिफीट मीन्स होता है हरा देना, वो हमें हरा देंगे। वी मस्ट फाइंड अ वे टू स्टॉप हिम, और हमें कोई ना कोई वे यानी मतलब तरीका सोचना पड़ेगा कि हम उन्हें वहीं पे रोक दें। द एम्परर एंड हिज वाइस मिनिस्टर्स सेट एंड थॉट ऑल डे एंड ऑल नाइट एंड जस्ट एज डॉन वॉज ब्रेकिंग। तो एम्परर और उसके जितने भी वाइस मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, ये जितने ये एम्परर हैं और इनके वाइस मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने सारा दिन सोचा, सारी रात सोचा, और दिन बीत गया। द चीफ मिनिस्टर्स बस्ट आउट लाफिंग, और इसमें से एक चीफ मिनिस्टर था जो वो बहुत तेजी से हंसा। ओ यस आई हैव गॉट इट, मतलब कि मुझे मिल गया है, तरीका मिल गया है। ही विस्पर्ड हिज प्लान इन टू द एम्परर्स ईयर हु स्माइल्ड एंड पैटेड हिम, उसने अपने जो एम्परर राजा थे उसके कान में कुछ बोला, और एंड पैटेड हिम, हु स्माइल्ड यानी जो मुस्कुराया, एंड पैटेड हिम, योर प्लान साउंड्स वेरी गुड,
गेट टू वर्क इमिडिएटली। तो राजा ने सुना और उस स्माइल किया और उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि तुम्हारा जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा है और इसे जल्दी करिए, जल्दी कंप्लीट करो। द चीफ मिनिस्टर वॉज एट द हार्बर विद एन आर टू लुक फॉर अ शिप टू सेल द तमस्क। चीफ मिनिस्टर जो था वो हार्बर यानी जो जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है, एन आर टू लुक फॉर अ शिप टू सेल द तमस्क, मतलब कि वो शिप का इंतजार कर रहा था कि तमस्क से कोई आए। बट इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ न्यू शिप ही चूज अ ओल्डेस्ट शिप देयर, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया, न्यू शिप को चुनने की बजाय पुराना जो जहाज होता है उसको चुना। इट्स प्लैंक्स वर वॉर्न एंड इट्स सेल वर येलो विद एज। जो उसका जो जहाज प्लैंक्स वर वॉर्न एंड इट्स सेल वर येलो विद एज, मतलब कि उसका जो जहाज था वो उसने बहुत ही पुराना चुना और वो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका था और कलर भी बहुत ही ज्यादा डल हो गया था, तो उसने ऐसे जो शिप था उसको चुना। ही सिलेक्टेड नॉट यंग सेलर्स बट ओल्ड, उसने जो यंग सेलर्स थे उनको ना चुन करके ओल्ड सेलर्स को चुना। बेंट मैन हु कुड हार्डली वॉक, जो कि मुड़े हुए मतलब कि जिनकी कमर झुक गई थी और बहुत ही वॉक नहीं कर पा रहे थे, बहुत कठिनाई से वॉक कर पा रहे थे। ठीक है, देन ही डिड समथिंग वेरी पेकुलर, ही ऑर्डर्ड ह्यूज फ्रूट्स ट्री टू बी डग अप प्लांटेड इन पॉट्स एंड कैरिड इन टू द शिप। फिर उसने क्या कहते हैं अपने उस शिप को तैयार किया, उसमें बहुत मतलब बड़े बड़े फ्रूट्स ट्री रखवाए और निकलवाए और प्लांट्स और बहुत पुराने बर्तन रखवाए उसने अपने शिप में। लास्टली ही ऑर्डर हिज मैन टू गो एंड गेट द ओल्डेस्ट लुकिंग सीविंग नीडल्स, और फिर उसने ऑर्डर दिया आदमियों को कि पुरानी सुई जो होती हैं नीडल्स होती हैं उनको जिनमें जंग लग गया हो, टू बी फिल्ड इन सैक्स एंड मतलब कि बोरों में भरा, पुट ऑन शिप्स और शिप में रख दिया। शेक्स मैन यानी बड़े बड़े जो बोरे होते हैं उनको बोलते हैं। हैज ही गॉन मैड, क्या ये पागल हो गया है, एवरी वन आस्क, सभी ने कहा। एन ओल्ड शिप विद ओल्ड सेलर्स, मतलब कि एक पुराना जहाज है और ओल्ड मतलब कि चलाने वाले भी बहुत ही बूढ़े हैं। ओल्ड फ्रूट्स ट्रीज हैं, मतलब कि फ्रूट्स ट्री भी जो है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा पुराने हैं यानी उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। रस्टी नीडल्स यानी रस्टी जो नीडल्स भी जो है जिनमें लोहे की होती हैं जंग लग जाती हैं, बहुत पुरानी। हाउ इज़ ऑल दिस गोइंग टू सेव अस फ्रॉम राजा सुरन, और ये सब चीज़ें राजा सुरन से हमें कैसे बचाएंगी। बट द एम्परर एंड द चीफ, लेकिन जो एम्परर थे और जो चीफ थे। बच्चों हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।